हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आप हजरत इब्राहिम का किस्सा सुन चुके हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे, बाप उनको बहुत चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज मुझे सिजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हजरत यूसुफ को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सोतेले भाइयों को ना बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सोतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हम को इतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ को जान से मार दिया जाए। लेकिन इनमें से एक ने कहा, जान से मत मारो बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सबने मिलकर ये बात तय कर ली। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। इनके बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में इसको खा जाए। भाइयों ने कहा, हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने इनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बाप क्या करते, सबर किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था उसके करीब ही एक काफला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला और देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है। उनको बाहर निकाल लिया और जब काफला मिस्र पहुंचा, वहां पर मिस्र के बादशाह ने इन काफले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, उनकी खूबसूरती और वजाहत और अकलमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी इन पर फरीफ्ता हो गई और उनको उनके नफ्स की जानिब से फुसलाने लगी। एक रोज उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली जिससे कमीज फट गई। उस वक्त अजीज मिस्र यानी जुलेखा का शौहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया और अपने खावन से कहा कि ये शख्स तेरी बीवी की बेआबरूई करना चाहता था, जिसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फुसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के खानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये उस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो यूसुफ मुजरिम है और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जब हजरत यूसुफ का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा कि तू माफी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इसका इल्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, तू ही मुझको बचा सकता है, अगर मैं इन औरतों के फरेब में आ गया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा, इससे ये बेहतर है कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और वो जेल में डाल दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले जेल में दो कैदी और भी थे, एक शाही बावर्ची और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी। इनके खिलाफ इल्जाम था कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैदियों को अल्लाह ताला की बातें बताते रहे और खुदा का पैगाम पहुँचाते रहे। एक दिन ये दोनों कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा, हमने एक अजीब ख्वाब देखा है। साकी ने कहा, मैंने देखा है कि बादशाह को अंगूर की शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियाँ हैं और परिंदे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। ये ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि साकी तो जेल से छूट जाएगा और फिर बादशाह की मुलाजमत में जाकर उसको शराब पिलाएगा और बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और उसकी लाश को जानवर खाएंगे। ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने साकी को रिहा करा दिया और बावर्ची को सूली हो गई।
हजरत यूसुफ अलैहि सलाम इनके बाद भी सालों जेल में रहे, लेकिन किसी को उनकी रिहाई का ख्याल न आया। इत्तेफाकन एक मर्तबा मिस्र के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि सात दुबली गायें सात मोटी गायों को खा रही हैं और सात हरी और सात सूखी हुई बालें देखी। बादशाह ने अपने दरबारियों से इसकी ताबीर पूछी, मगर कोई भी सही जवाब न दे सका। इस मौके पर साकी को याद आया कि उसने अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से पूछा था और आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ था। उसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है। बादशाह से, जिसको अजीज मिस्र कहते थे, इजाजत लेकर वो जेल गया और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से सारा वाकया बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर तो ये है कि सात साल मुल्क में खूब गल्ला पैदा होगा और सात साल सख्त कहत पड़ेगा। फिर एक साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और गल्ला होगा। जब इस शख्स ने बादशाह को जाकर ये खबर सुनाई तो उसने कहा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को बुलाया जाए। जब वो दोबारा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के पास गया और बादशाह का पैगाम सुनाया तो आपने फरमाया, उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, बेशक मेरा रब उनके मकरो फरेब से वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा, हमने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम में कोई बुराई नहीं देखी। ये देखकर जुलैखा भी बोली कि अब जबकि हक जाहिर हो गया है, सच बात यह है कि मैंने ही हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को वरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आपके जो भी सवालात हैं कमेंट में करें।